हाय किड्स, हाय सर। आज अपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है, फाइंड आउट फ्रॉम पीपल अराउंड यू। ठीक है, फाइंड आउट फ्रॉम पीपल अराउंड यू। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं टॉक टू पीपल अराउंड यू अबाउट देयर फेवरेट स्वीट्स। वो बोल रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, अपने आसपास जो लोग हैं उनसे बात करनी है कि वो कौन कौन सी स्वीट्स खाते हैं, कौन कौन सी मिठाइयाँ खाते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्लास की बात करेंगे कि इस क्लास में कौन कौन से बच्चे क्या क्या खाते होंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फेवरेट स्वीट और यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पर हम अब कितने बच्चे हैं, अभी कितने आए हैं हम, अभी 10 लोग हैं। ठीक है, तो अब 10 लोगों में से हम ये देखेंगे कि जलेबी कितने बच्चे इसमें से खाते हैं। हाथ खड़े करेंगे, जलेबी कौन कौन खाते हैं, सिर्फ कितने लोग खाते हैं, 5। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। ठीक है, अब जलेबी के अलावा और क्या स्वीट्स होती हैं जो हम खाते होंगे, बाल मिठाई, बाल मिठाई। ओके, तो हम यहाँ पे बाल मिठाई भर देते हैं, बाल मिठाई, बाल मिठाई कितने बच्चे खाते हैं, सिर्फ एक। और क्या होती है हमारे पास मिठाई, रसगुल्ला, वेरी गुड, रसगुल्ला। कितने लोग रसगुल्ले खाते हैं, सब खाते हैं, इसका मतलब कितना आएगा, 10। फिर सर वो सब ऐसे वैसे हो जाए, गोलगप्पा, गोलगप्पा मिठाई होती है ना सर, वो बर्फी, वेरी गुड, बर्फी। बर्फी कितने लोग खाते हैं, 5 लोग खाते हैं। ओके, और क्या होती है मिठाई, लड्डू, वेरी गुड, लड्डू। लड्डू कौन कौन खाते हैं, 9 लोग खाते हैं, 8 लोग खाते हैं। ठीक है, और और बेसन के लड्डू, हाँ ओके, लड्डू में ही आ गया वो बेसन के लड्डू भी, और सोन पापड़ी, वेरी गुड, सोन पापड़ी। सोन पापड़ी कितने लोग खाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ठीक हो गया, तो ये हमारी पूरी टेबल क्या हो गई, फिल हो गई। अब वो बोल रहे हैं फ्रॉम द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग मोस्ट फेवरेट स्वीट। सबसे ज्यादा स्वीट्स कौन से बच्चे, कौन सी, रसगुल्ला। ठीक है, सबसे कम कौन से लोग खाते हैं, बाल मिठाई, बाल मिठाई। ओके, बाल मिठाई। अब वो बोल रहे हैं डैश इज लाइक्ड मोर देन, मतलब वो बोल रहे हैं कि कौन सी एक स्वीट का नाम लिखना है यहाँ पे जो कि उससे ज्यादा खाई जाती है। तो हम रसगुल्ला लिख देते हैं, रसगुल्ला किससे ज्यादा खाया जाता है, हाँ सोन पापड़ी से, सोन पापड़ी भर लो, यहाँ पे कुछ भी भर सकते हैं हम चाहे लड्डू भी, लड्डू को हम बर्फी से भी भर सकते हैं, कि लड्डू ज़्यादा लोग खा रहे हैं, बर्फी क्या लोग खा रहे हैं, कम। अब देखो फिर आ गया वही डैश इज लाइक्ड मोर, तो हम सोन पापड़ी लिख लेते हैं, सोन पापड़ी किससे ज़्यादा खा रहे हैं लोग, सोन पापड़ी, रसगुल्ला, रसगुल्ला नहीं, रसगुल्ले लड्डू, लड्डू से। यहाँ पर मतलब वो वाली संख्या निकाल लिखना है जो ज़्यादा हो। अब देखो, अब मैं माना जलेबी लिखूँ तो जलेबी के साथ क्या आएगा, बाल मिठाई, बाल मिठाई। हाँ, क्योंकि जलेबी 5 लोग खा रहे हैं और बाल मिठाई कितने लोग खा रहे हैं, एक ही खा रहा है, फिर एक और लिखना है हमने। तो अब हम क्या लिख लेते हैं, लड्डू लिख लें, लड्डू के साथ क्या आएगा, लड्डू के साथ जलेबी, जलेबी। हाँ, जलेबी आ सकता है, बर्फी आ सकता है। ठीक है, समझ गए, मतलब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि डैश इज लाइक्ड मोर देन, मतलब इसको कौन से ज्यादा, किससे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, मतलब सोन पापड़ी को लड्डू से ज्यादा पसंद कर रहे हैं ना लोग, वैसे जलेबी को बाल मिठाई से ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, और लड्डू को किससे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जलेबी से। लड्डू 8 लोग खा रहे हैं और जलेबी कितने लोग खा रहे हैं, 5 लोग। ठीक है, ऐसे ही आप एनिमल्स के बारे में भी लिख सकते हैं हम, तब क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनिमल्स की एक लिस्ट बना लेंगे, एनिमल्स के लिए हम क्या लिख लेंगे, भाई डॉग, डॉग कितने लोगों को पसंद है, फिर हम हाथ उठाएंगे, फिर हमको पता चल जाएगा, माना 5 आए तो 5 लिख लेंगे। फिर और क्या होते हैं एनिमल्स, और काउ, कैट, काउ, कैट, और हॉर्स, बफेलो, वॉक्स, ऑक्स, फॉक्स, फॉक्स, ऑक्स, फॉक्स, ठीक है, शिप, कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर एक नई टेबल बन सकती है सर, वो जंगली जानवरों की।